हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेम ऑन पे। और आज हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन रूबी वर्जन। इसमें हम पेटलबर्ग सिटी तक पहुंच चुके हैं। देखिए, आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ा रखी है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और मुझ पर अभी तक क्या बस टॉर्च चुकी है, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, लेवल 10 की हमारी टॉर्च हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कौन है? ओह नो, आई एम नॉट ट्रेनर, मैं ट्रेनर, बट दैट्स राइट। इफ ट्रेनर्स लॉक लुक लॉक आईज, इट्स अ चैलेंज टू बैटल। ओह, अभी हमसे लड़ने वाली है। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बैटल, स्टे आउट ऑफ दिस। ओह नहीं, मैं चाहते तो मेरी आंखों से दूर हट जाओ, मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। हट गए जी, हट गए देवी। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मेरे पोकेमॉन से भी छोटा होएगा। कहाँ से आ जाते हैं ये बच्चे, अपने आप को ट्रेनर बता के। ये 5 साल के बच्चे नहीं होंगे। गेम फ्रीक वाले भी किन किन को डाल देते हैं। वो तो चिकल थोड़ी डिसएडवांटेज होती है टेलो से, पर फायर टाइप अटैक्स की वजह से वो टेलो को आसानी से हरा सकती है। ये देखा जाए तो एक टाइप से हैन आपने देखा होगा, वैसी लगती है टॉर्चिकल टाइप, उस कैटेगरी में आती है। एनिमल कैटेगरी में बात करी जाए तो ओहो, ये तो वो चाचा हैं मिस्टर ब्राइनी, जो ऐश को भी लेके जाते हैं। चलिए चाचा जी से बात करते हैं। अब मिस्टर ब्राइनी तो है ही नहीं, ब्राइनी तो है ही नहीं यहाँ पे। ये कुछ कह रही थी इसके बारे में, डैट सी साइड कॉटेज इज वेयर मिस्टर ब्राइनी लिव्स। ओहो, यहाँ रहते हैं इस कॉटेज में। ही वॉज वंस अ माइटी सेलर, माइटी सेलर से पहले, हु नेवर फियर्ड द सी। ओहो, तो अब क्या हो गया? हाँ बस टॉमी, अब क्या हो गया जी? और हम बेरी मिल गई, अरे प्लम बेरी है शायद साइड में, प्लम बेरी, अच्छा बेरी है। ओह श्योर, आई विल एक्सेप्ट योर चैलेंज। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओ, हम पे भी कम नहीं है, लुटा दी पर सारी हमने। बेवकूफ मत समझो भैया हमें, तुम जैसे को तो खड़े खड़े खरीद लेते हैं। देखो, पहले तुमको हराएंगे फिर खड़े खड़े खरीदेंगे। देखो, रिच बॉय, क्या नाम था, वॉटसन। देर आर सम थिंग्स मनी कांट, हाँ, जीत जीत मनी नहीं खरीद सकती, सब मेहनत करके ही जीता जाता है। पर अमीर के बच्चे, आई कॉट अ होल बंच ऑफ पोकेमॉन। ओहो, गो 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 माई बग पोकेमॉन टीम। ओहो, मतलब फायर हद हो रही है अब तो, फायर टाइप को बग हराएंगे, सिंगल पोकेमॉन जीत जाएगा इन 6 पोकेमॉनों से। एम्बर अटैक, ओनली एम्बर अटैक। फिर वरम्पल, मतलब क्या करना है, डस्टॉक्स बनाना है क्या या ब्यूटी फ्लाई? एक और वरम्पल नहीं है। अरे भैया, हद हो रही है, फैमिली बनाएगा इसकी। मतलब दोस्तों देख लो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। चौथी वरम्पल, अबे कैटर भी नहीं मिलती क्या उन रीजन में? भैया हम परेशान हो गए। ये मजाक चल रहा है, अच्छा वाला मजाक चल रहा है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, छठी वरम्पल थी, कह दिया मैंने। कुछ ना कहते हुए मैंने कह ही दिया। दोस्तों देख लो, ये हाल चल रहा है इस गेम में। छोड़ो, मैं क्या, तब भी जीत गया। ओ, पैरालाइज मिल गई ब्रेंडन, पैरालाइज भी मिल गई ब्रेंडन को। हम भी परम्पल पकड़ ही लेते हैं, देखते हैं, चलो टीम बनाते हैं बड़ी थोड़ी। ओहो ओहो, गड़बड़ गड़बड़, एंटी टूट देना पड़ेगा पहले। अरे वही से हैरान तो मुश्किल हो रहा है। स्क्रैच अटैक ही मारना पड़ेगा। ओह, पॉइंट पे वही हेल्थ, अब सही है। लेट्स कैच इट, लेट्स कैच इट, कैच इट, कैच इट। चलो, हमको रंपल मिल गई, पर मैं नहीं चाहता इसे मैं लेवल अप करूँ। मेनली मुझे टेलो पे फोकस करना। नॉट अ वन टू बी फाउंड, अरे हम ये रहे, हमें ही ढूंढ ले, हमें ही ढूंढ ले, मतलब हमसे ही बात कर ले, कोई नहीं मिला। हेलो, यू हैव सीन एनी पोकेमॉन कॉल्ड श्रूमिश अराउंड हियर? श्रूमिश ग्रास टाइप पोकेमॉन है।
ना हमने तो नहीं देखा है। आई लव इट पॉपकॉर्न। ओहो तो मैं क्या करूँ, वो टीम में आई वॉज गोइंग टू एम्बुश यू बट यू हैड टू टॉडल इन पैडल फॉर बूथ। ओहो फॉर एवर डिडंट यू, आई गॉट सिक ऑफ वेटिंग सो हेयर आई एम यू डे वन रिसर्चर। ये डे वन रिसर्चर का है मेम्बर एक। हैंड ओवर दोस पेपर। अरे पेपर चाहिए तुझे, अब एक नोटबुक खरीद ले 20 रुपया की आएगी, उसमें पेपर ही पेपर होंगे। डर गया बेचारा। तुम एक पोकेमोन ट्रेनर हो ना, यू हैव गॉट मी टू हेल्प प्लीज़, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी प्लीज़। ओहो व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम। हाँ मैं उसे बचाने वाला हूँ। नो वन हु क्रॉसेस टीम मैग्मा गेट्स एनी मर्सी। हाँ अभी रुक जा, तेरी बैंड बजाता हूँ, रुक जा। दोस्त दिमाग ख़राब कर दिया इस बंदे ने मेरा। अब नौवें लेवल का पूछियान ले घूम रहा और गलत अटैक कर दिया है। पूछियान माइटियान में होता है। हाँ सही था। वाह वाह धन्यवाद भाई साहब। डी वन कॉरपोरेशन से याद आया मुझे, हमें रुको जरा। यू हैव गॉट सम नर्व मेडलिंग विद टीम मैग्मा। हाँ ऐसी हिम्मत थोड़ी ना आ जाती है, इतना एक्सपीरियंस लिया मेरे पोकेमोन ने। कम ऑन बैटल मी अगेन। ओहो आई विश आई कुड स्टे से डैट बट आई एम आउट ऑफ पोकेमोन। एक ही पोकेमोन तुझ पे भी, मेरे पे दो हैं अभी, पकड़े यहीं पकड़ ले। एंड हे वी ऑफ टीम मैग्मा आर ऑल्सो आफ्टर समथिंग रेस्ट फॉर। ओके आई विल लेट यू गो टुडे। अबे तू भाग है। ओह ग्रेट बॉल दे दी बंदे ने। थैंक यू बेटा। तौर में तौर पर हिंदी कैसे लड़खड़ा रही है मेरी। अरे दोस्तों सही जा रहे हैं ना। अरे नहीं एक चीज़ भूल गया दोस्तों मैं। अरे सही भी जा रहे हैं ना। हाँ यहाँ ये रास्ता। ये कौन है ब्रेंडन? अभी ब्रेंडन ने जवाब नहीं दिया। अच्छा ओके बोल मिल गई हमको। ओह माय गॉड मुझे इस लेडी से बात करनी थी, छोड़ो खेलो। अरे यार यहाँ सिक्सकून नहीं मिलता, ये सिक्सकून दिमाग ख़राब कर रहा है। पॉकीडेक्स दोस्तों कमेंट करके बताना कि मैं पॉकीडेक्स बढ़ाऊँ अपना कि ना। मैं देखो अभी तो टॉर्चिक से ही काम चल रहा है, टॉर्चिक अब कम बस करने हो जाए थोड़ी देर में, कुछ पता नहीं। हील करने आया था मैं अपने पॉकीमोन्स को दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे रिपेल मिलती है कि नहीं। हमें रिपेल की ज़रूरत है, घास में घूम रहे हैं क्योंकि हम ये रही रिपेल। नहीं हमें बस 5 चाहिए, हम इतने भी अमीर नहीं है कि इतने पैसे दे दें कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। डूड कितने हैं बैग में? हम पे हैं दोस्तों ग्रेट बॉल्स तो इतनी। हाँ सब कुछ है। अवेकनिंग अवेकनिंग देख लेते हैं दोस्तों एक बार, है कि नहीं इस बंदे पे है। दो खरीदनी, चलो 12 रुपये बचे, 12 पॉकी कॉइन बचे हैं बंदे पे बस। अच्छा कॉइन भी पोकी कॉइन है, सेंटर भी पोकीमोन सेंटर है, जिम भी पोकीमोन का है। इस दुनिया में और क्या क्या बचा है? जो भी बताया वो सब पोकेमोन का। इंसान तो बस दिखावे के लिए रखे हैं वैसे यहाँ पे। एक बात तो सही कह रहा हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं, क्रॉस करते हैं पेटल वर्क वुड्स को। आई एम गोइंग रॉन्ग? नो आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग। इससे बात करनी थी। इफ यू ट्राई टू स्टील समवन एल्स पोकेमोन यू शुड थ्रो पोकेबॉल्स ऑन योर पॉइंट ऑफ। अच्छा हमें तो पता ही नहीं थी, थैंक यू आंटी जी बताने के लिए हमको। अपने पोकेमोन पे मतलब वाइल्ड पोकेमोन पे ही हमें पोकेबॉल फेंकनी है, बाकी पर नहीं फेंकनी। ट्रेनर वगैरह पोकेमोन नहीं चुराने, हमें घोषित कर दिया बिना बैठे बैठे चोर घोषित करती है आंटी हमें। ऐसे को तो टॉर्चिक ना उड़ा देगी, ग्राउल अटैक से ही इसका अटैक डिफेंस सब कम हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। Don't do that thing. If you take bug Pokemon to school, you get to be instantly popular. Bug Pokemon को स्कूल ले जाके वरम्पल है हम पे। अरे भैया निकाड़ा की पूरी करते हैं, अजीब बात नहीं है। हम अभी तक टॉर्चिक को लेकर खेल रहे हैं,
और कोई पोकेमोन अपनी टीम में रखा है वर्मपल, फिर भी ऐसा लगता है वो हमारी टीम में ही नहीं। ओह भैया स्क्रैच स्क्रैच अटैक, टेलो और कुछ नहीं चाहिए, टेलो मिल गई। वो अब गड़बड़ लग रही है, फिर पोकेमोन बदलना पड़ेगा। वर्मपल पकड़वा सकती है, कुछ काम तो आई वर्मपल अब। तरीके यार मैं भूल गया था, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन बग टाइप पोकेमोन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, एडवांटेज रहती है उन्हें। तो गड़बड़ हो गई यार, पॉकी बॉल फेंकनी पड़ेगी। तो आप ये हेल्थ जी क्या कर रहा हूँ, हाँ अब सही अटैक कम हो गया, अब ये बच जाएगी स्क्रैच अटैक से, और कम हो गया। हाँ तो पागल है टेलो, अब पकड़ सकते हैं टेलो को। टेलो जो पॉकी बॉल तोड़ रही है, इसे ये नहीं पता एक पॉकी बॉल 200 पॉकी बॉल पॉकी कॉइन की आती है और हम पे 12 ही हैं। ग्रेट वॉल फेंक देंगे किस काम के लिए, पकड़ ली। चलो टेलो है, टेलो ईथर मिला। अच्छा दोस्तों ईथर का यूज़ मैं बताता हूँ, जैसे मान लो रुको मान लो सही बताता हूँ। देखो मैंने फाइट पर क्लिक करा, देखो यहाँ पीपी लिखा आ रहा है, पीपी नॉर्मल ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर टाइप में इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के साइड में, तो यहाँ 33 है हैश 35 आपको दिख रहा होगा। तो ईथर क्या करता है, मान लो अगर ये पीपी ज़ीरो हो गई, ईथर 10 पीपी हमारे रिस्टोर कर देता है, मतलब कि मान लो 23 पीपी है हम पे, मान के चलो यहाँ 33 है पर वहाँ अगर 23 होते तो अगर हम ईथर यूज़ करते तो हमारे पीपी हो जाती 33 बढ़ जाती, ये चक्कर है। अरे भैया तो बुरी हालत कर दी रे, भागो जल्दी भागो, हम पहुंच गए अब तो रस्ट बोरो सिटी। अरे किस लिए रख रखे हैं मैंने, एंटीडोटी दे दूँ दोस्तों इसको मैं, जब क्या है कतई ख़त्म ही हो जाएगी। गर्म पर हमारी तो ख़त्म ही पड़ी है, गर्म पर फिर से कुछ मदद नहीं कर पाई। चलो कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कई बार ये सेंटेंस झूठा लगता है जैसे अब झूठा लगा। फ्लावर शॉप है, मेरा नाम ब्रेंडन, नाइस नेम। अच्छा तो मैं बेरीज के बारे में जानना चाहता हूँ, नहीं हमें बेरी बेरी के बारे में नहीं जानना। वी मस्ट हैव बी फेड टू मीट, मैं आस्क यू फॉर अ बैटल, हाँ क्यों नहीं, आस्क यू। और देखो लड़ाई चालू हो गई, मैंने तो नहीं कही थी हाँ, है ना, मैंने तो नहीं कही हाँ, फिर भी लड़ रही है गंदी लड़की, इसे अभी मारते हैं। खुश होगी तसल्ली यार, क्या अब देख एक जगह खड़ी है बस, ये नहीं कि हाँ भैया से सॉरी वॉरी कह दूँ, नहीं हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। रिस्टोर करना ज़रूरी है अपने पोकेमोन को, तो फिर सेव कर लेता हूँ, कर लिया। चलो पहले पोकेमोन बदलते हैं, अब टेलो की बारी है, टेलो लड़ेगी अब इस आंटी से। शुड आई और शुडंट आई, ओके श्योर आई विल बैट लड़ूँ या ना लड़ूँ, चलो लड़ी देते हैं। लो टायर्ड सही, वाटर टाइप और ग्रास टाइप दोनों का है। लो टायर्ड का एवोल्यूशन है लाउड कह रहा हूँ, लॉम्ब्रे और लॉम्ब्रे का एवोल्यूशन वो मोटा सा जो ब्रॉक का पॉकेमोन रहता है, लो टायर्ड आपको याद हो तो, और हॉर्न रीजन भी पकड़ता है ब्रॉक से। अरे यार पहले इतना हो गया, सुपर इफेक्टिव था, सुपर इफेक्टिव इतना इतनी हेल्थ है। अरे यार अच्छा एक एम्बर में ख़त्म हो जाता है, तो खैर ग्रास टाइप बग टाइप ग्रास टाइप पोकेमोन खैर एक अटैक किया मीटे लाने तो आई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और डबल बैटल मिया, वी आर ट्विन सो वी बैटल पोकेमोन टुगेदर। ओहो डबल बैटल हो गई है, चलो देख भी एक जैसे नहीं है, पैक अटैक करो सी डॉट पे, एम्बर अटैक करो लो टाइप पे, टाइप तो इन दोबारा से ऐसे अटैक कर लो। लो टाइट तो गया, अब सी डॉट की वाली
तो बेटा जा सी डॉट बेटा घर जा, अच्छा बच्चा तेरा घर जा। आप दोनों भी घर जाओ, इन छोटे बच्चों को पोकेमोन दे कौन देता है, पोकेमोन का मजाक उड़ाया जा रहा है उनको। पोकेमोन क्या है आंटी, अगर इफ यू सी बेरीज ग्रोइंग इन लोमी सी फील फ्री टू टेक देम। ओके चेस्ट टू बेरी दे दी, अच्छा तू भी ये भी सॉइल में थी, लोमी सॉइल में बुढ़िया। लेपा बेरी ले ली, ये प्लम बेरी है, चेरी बेरी प्लम बेरी अभी तक नहीं मिली। या मैं जिसका नाम ले रहा हूँ प्लम बेरी होती भी है कि नहीं, प्लम प्लम नाम की बेरी कोई होती भी है। ये रहे यार मैजिक आ रही है, मुझे आज तक ये स्प्लैश अटैक समझ नहीं आया क्या चक्कर है। दोस्तों मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपसे, पोकेमोन की मूवी वूवी देखे करो यार, मार्वल एच क्यू हंगामा पे आती रहती है। अभी यूनोवा रीजन की मूवी आई थी ऐश की, उसको जेन सेक्ट वाली, उसे ज़रूर देखना यार, अब बहुत अच्छी मूवी थी, ज़रूर पसंद आएगी आपको, ज़रूर क्या पसंद ज़रूर आएगी। उसका चारिजार्ड भी उसमें एक सीन में दिखाते हैं, वो मैं आपका मजा नहीं ख़राब करूँगा, वो सीन बता के देखना आप। अगली बार अगर हंगामा पे, तो एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हंगामा पे यूनोवा की मूवी जहाँ तक है ख़त्म हो चुकी हैं, यूनोवा तक की सारी मूवी दिखा दी हंगामा वालों ने। तो अब क्या होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कांटो से दिखा रहे हैं, कांटो की मूवी आई पहले, अब इस सीज़न में देखा जाए तो मूवीज़ का देखा जाए तो कांटो की आई, फिर ऑरेंज आइलैंड की वाली मूवी थी लुगिया वाली वो आई, फिर जोटो की आई, फिर हॉर्न की आई, फिर सिन्नो की आई, सिन्नो रीजन की मूवी बाद आई, और इसकी यूनोवा रीजन की मूवी, यूनोवा रीजन की तीन मूवीज़ हैं, तीनों देखनी। और इसके बाद अब कालोस रीजन है, कालोस रीजन की मूवीज़ हैं, फिर वो हुपा वाली, हुप एंड द क्लैश ऑफ एजेस है ना। तो जरूर दोस्त ज़रूर देखना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।